वैसे तो हम सबकी ज़िंदगी की शुरुआत लगभग एक ही तरीके से होती है, और शुरुआत के कुछ सालों तक हमारी बातों में, प्यार में, मासूमियत में, और यहाँ तक कि नफरत और नाराज़गी के अंदर भी एक सच्चाई की रोशनी होती है। क्योंकि हमें इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया और इस दुनिया के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जितने सच्चे हम खुद के साथ होते हैं, उतने ही सच्चे इस दुनिया के लोगों के साथ भी होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, वही सच्चाई की रोशनी कहीं ना कहीं खोने लगती है। इसका कुछ कारण हमारी गलत सोच होती है, और कुछ कारण इस दुनिया के रीति रिवाज भी होते हैं। हम उस सच्चाई की रोशनी को खोने लगते हैं जो ना सिर्फ हमें सही इंसान बनाए रखने में हमारी मदद करती है, बल्कि उन रास्तों पर भी हमारी मदद करती है जब हम कहीं भटक जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, और हम धीरे धीरे एक्टिंग करने लगते हैं। वो एक्टिंग चाहे फिर दोस्तों के सामने कूल बने रहने की हो, दुखी होते हुए भी, या फिर जब कोई हमें पूछता है कि तू कैसा है या तू कैसी है, उस समय पर मैं एकदम बढ़िया हूँ का झूठ बोलने की हो। और क्या शानदार एक्टिंग करते हैं हम लोग। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि ये एक्टिंग है कि जिंदगी, और एक्टिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। हम इस बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं कि हमारी वास्तविक खुशी किस में है। काश ये आई एम फाइन का झूठ सच होता तो शराब पीना, सुसाइड करना, डिप्रेशन में जाना और इतना ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है वो इतना आम नहीं होता। मैंने इसे काफ़ी सारे लोगों को बहुत करीब से अनुभव किया है जो डुप्लीसिटी, एक्टिंग और फेकनेस के चलते कब उदासीनता यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं उन्हें ही पता नहीं चलता। कब वो ये महसूस करने लग जाते हैं कि इस दुनिया में उन्हें कोई नहीं समझ सकता, और जब ये बात उनके माता पिता और करीबियों को पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उनमें जीने की इच्छा धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या मतलब ऐसे एक्टिंग का जो आपसे आपकी असलियत छीन रही है। पर ऐसे वक्त में अगर किसी सही का साथ हो, किसी अच्छे का साथ हो, तो जिंदगी की उमंगें कम ही मरती हैं। तो मैं अभिलाष मोदी आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों के सामने कूल बने रहने की एक्टिंग आपसे नहीं होती तो ना करें। अगर बेवजह दुखी होते हुए भी खुश रहने की एक्टिंग आपसे नहीं होती तो ना करें। ऐसे लोगों के बीच ना रहें जो आपसे आपकी असलियत छीन रहे हैं। मनोरंजन की इस अंधी दौड़ में ना शामिल हों, असली खुशी को तलाशें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपको समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, और जब आप समझदार हो जाएं, जब आप अनुभवी हो जाएं, तो ऐसे लोगों की मदद भी करें जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपको सुनाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक दूसरे के अंदर उस सच्चाई की रोशनी को ढूंढ ही लेंगे जिसे हमने कहीं खो दिया है। देर है तो सिर्फ एक हाथ बढ़ाने की।